आपके मुद्दे में बात छत्तीसगढ़ की होगी, जहां गहरे सन्नाटे के बाद अब तूफान उठता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हां, छत्तीसगढ़ में अंडर कंट्रोल कोरोना अब फिर से आउट ऑफ कंट्रोल होता दिख रहा है। बुधवार को रिकॉर्ड एक दिन में 28 लोगों की कोरोना से मौत हो गई, मतलब स्थिति अब विस्फोटक होती जा रही है। आज चर्चा इसी मसले पर होगी और सवाल यह है कि क्या छत्तीसगढ़ में भी अब वो घड़ी आ गई है जब लॉकडाउन के बारे में सरकार को सोचना पड़ेगा। सवाल यह भी है कि क्या बिना टेस्टिंग वैक्सीनेशन बढ़ाने कोरोना काबू पाया जा सकता है। बातचीत के लिए कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ दी है। कोरोना के आंकड़े आम लोगों के साथ सरकार के लिए भी चिंता का सबब बन रहे हैं। कोरोना से मौत के मामले में छत्तीसगढ़ अब देश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ में संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों पर गौर करें तो 21 मार्च को 1000 नए केस, 22 मार्च को 1525 केस, 23 मार्च को 1910 केस और 24 मार्च को 2106 नए केस आए। मतलब हर दिन पिछले दिनों का रिकॉर्ड टूटता जा रहा है। छत्तीसगढ़ में संक्रमण के आंकड़े तो बढ़ ही रहे हैं, एक्टिव केस का ग्राफ भी तेजी से ऊपर जा रहा है। 9 मार्च को एक्टिव केस का ग्राफ 3000 के ऊपर गया, 14 मार्च को 4000 के ऊपर, 22 मार्च को 9000 के ऊपर और 24 मार्च को छत्तीसगढ़ में एक्टिव केस का ग्राफ 11000 को भी पार कर गया। कोरोना के तेज संक्रमण और बढ़ते एक्टिव केसों की संख्या को देखते हुए सरकार भी अलर्ट पर है। सरकार ने संक्रमण की रफ्तार को थामने के लिए कोरोना गाइडलाइन के पालन कराने के लिए जहां सख्ती बढ़ाने के आदेश दिए हैं, वहीं मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर प्रदेश के प्राइवेट अस्पतालों को भी तैयार रहने का निर्देश दे दिया गया है। कोविड के गाइडलाइन का प्रशासन के द्वारा जो जारी किया जा रहा है उसको सबको पालन करना होगा। हमने मास्क नहीं लगाने पर कल वो शुल्क भी बढ़ाया हुआ है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। सबको कहा गया है कि ना केवल होली, सार्वजनिक समारोह और सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड के गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है और इसी से इसका बचाव है। सरकार संक्रमण से निपटने की तैयारी में जुटी है, तो वहीं विपक्ष को सरकार की तैयारी नाकाफी लग रही है। वो चिंताजनक स्थिति है, उस स्थिति को मुकाबला करने के लिए जरूरी है कि हम पूरी सावधानी छत्तीसगढ़ में भी बरते हैं और बाहर से आने वाले हो या स्थानीय स्तर के लोग हैं, ज़्यादा मॉनिटरिंग, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन, मास्क लगाएं और बाकी काम भी कर रहे हैं कि अपनी वाहवाही लूटने के लिए, अपने फ़ोटो छपाने के लिए 40,000 लोगों को स्टेडियम में भर दिया। तो ऐसा यदि सरकार के प्रमुख लोग करेंगे तो कहाँ सुरक्षा होगी और कहाँ से बचेंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना का बढ़ता संक्रमण चिंता का विषय है। सरकार ने कोरोना की रफ्तार को थामने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर प्रदेश में कोरोना की इस तेज रफ्तार के लिए कौन जिम्मेदार है। लोगों की लापरवाही, कोरोना की रफ्तार को रोके रखने में प्रशासन की उदासीनता। छत्तीसगढ़ में 21 मार्च को कोविड-19 के केस की संख्या 1000 के आसपास थी और मौत का आंकड़ा 10 था। चार दिन में ही ये आंकड़ा मौत का लगभग 3 गुना बढ़ चुका है और कोविड केसेस में लगभग 2 गुने से ज़्यादा की वृद्धि हो चुकी है। ये बताने के लिए पर्याप्त है कि छत्तीसगढ़ की स्थिति कितनी ज़्यादा खराब होते जा रही है। फिलहाल RT-PCR टेस्ट और बढ़ाए जाने की आवश्यकता है और जल्द से जल्द और भी कोविड सेंटर सरकार को खोलने पड़ सकते हैं। स्थिति बेहद चिंताजनक छत्तीसगढ़ की होती जा रही है। न्यूज़ स्टेट के लिए रायपुर से आदित्य नामदेव। तो देखिए, 2020 वाली स्थिति में धीरे धीरे हम आ रहे हैं और इसी पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। डॉक्टर विवेक परियार हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में कोशिश हम ये करेंगे कि रजनीश सिंह जी हमारे साथ जुड़ जाएं, बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और सबसे पहला सवाल सुरेंद्र जी आपसे ही, सरकार अभी भी ये कह रही है कि सब कंट्रोल में है, सब बेहतर है, लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। और मुझे याद आती है सर, 1 साल पुरानी बातें, छत्तीसगढ़ उन चुनिंदा राज्यों में था
जहां पर शुरू में केस नहीं आ रहे थे और सरकार उस वक्त वाहवाही लूट रही थी कि हमने कोरोना को कंट्रोल किया, लेकिन जब विस्फोट हुआ तो छत्तीसगढ़ किस तरह आगे निकलता चला गया वो तस्वीर भी सबने देखी। सर, आपको नहीं लगता कि अभी से बहुत संभलने की जरूरत है? पुराने एक्सपीरियंस हमारे सामने है, खासकर छत्तीसगढ़ के। निश्चित रूप से आदित्य जी, आपके बात से मैं सहमत हूँ। छत्तीसगढ़ में जो कोरोना का पुनः प्रसार हो रहा है, ये बिल्कुल चिंता का विषय है और इसके लिए बहुत आवश्यक ये है कि तमाम जो लोग हैं, एक साल से कोरोना के संकट से जूझ रहे लोग काफ़ी अनुभवी हो चुके हैं, उनको इस संबंध में अपनी जिम्मेदारी को वहन करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइजिंग करना चाहिए। जहाँ तक सरकार का प्रश्न है, सरकार एक समय ऐसा आ गया था कि एक दिन में सिर्फ 113 केस भी आए थे, ऐसी स्थिति छत्तीसगढ़ में आ गई थी। जहाँ तक प्रश्न है कि ये जो कोरोना की वापसी है खाली छत्तीसगढ़ में हो रहा है, ऐसा नहीं है। कोरोना की वापसी पूरे विश्व के साथ साथ हिंदुस्तान के अन्य प्रदेशों में भी हो रहा है और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी का ये कहना है कि क्रिकेट की वजह से ये फैल रहा है, तो ये प्रश्न पैदा ये होता है कि जब बंगाल में चुनाव हो रहे हैं तो वहाँ क्यों नहीं फैल रहा है, असम में चुनाव हो रहे हैं तो वहाँ क्यों नहीं फैल रहा है, और वहाँ पर क्यों कोरोना के संकट की अनदेखी की जा रही है। ये प्रश्न जो है राजनीति का विषय नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हर चीज को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने की, मैंने सर राजनीतिक सवाल ही नहीं पूछा, आरोप आपने जवाब दे दिया, ठीक है, क्योंकि रजनीश जी जब जुड़ेंगे तो मैं राजनीतिक सवाल भी आपसे पूछूंगा। आपने नहीं पूछा, हाँ वो ठीक है, आपने जवाब दे दिया, आपने रमन सिंह की बाइट सुनी, उस पर आपने रिएक्ट किया, बहुत अच्छी बात है, उस पर भी मैं सवाल पूछता, लेकिन मैंने सवाल ये पूछा था सर कि क्या अभी हम गुड़ी गुड़ी तो नहीं खेल रहे जैसे पिछले साल हो रहा था? हमें लग रहा था कि छत्तीसगढ़ तो ग्रीन जोन में आ जाएगा, छत्तीसगढ़ तो उन राज्यों में हो जाएगा जहां पर केस ही नहीं बढ़ेंगे, लेकिन जैसे ही पलायन शुरू हुआ उसके बाद हमने देखा मजदूरों के आते ही किस तरीके से कोरोना के केस बढ़ने शुरू हो गए। नहीं नहीं, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ, सरकार गुडी गुडी नहीं खेल रही है, सरकार पूरी तरह सतर्क है और पिछले एक साल डेढ़ साल में काफी अनुभव हमने प्राप्त किया है। इन सारी चीज़ों को निपटने में छत्तीसगढ़ की सरकार, यहाँ का स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी तरह सक्षम है और मैं ये कह सकता हूँ कि जनता सहयोग करेगी और सरकार जो है अपना काम करेगी और हम इन सारी इन परिस्थितियों से बहुत शीघ्र। विवेक जी, ठीक है, मैं लौटूंगा सुरेंद्र जी आपके पास, संदेह आपको लगता है कि चीजें कंट्रोल में है। विवेक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा सर दो तीन चीजें। एक तो वैक्सीनेशन जिस तरीके से हो रहा है, क्या इसकी रफ्तार ठीक लगती है आपको? दूसरा ये कि टेस्टिंग को लेकर ये कहा जा रहा है कि जो एंटीजन टेस्ट हैं वो अभी भी ज्यादा हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में, जबकि केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय की भी ये गाइडलाइन है कि आरटीपीसीआर पर हमें ज्यादा जोर देना है, तो उसमें छत्तीसगढ़ में अभी हम देख रहे हैं कि एंटीजन टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं, आरटीपीसीआर जो 70% तक लगभग होने चाहिए वो अभी भी नहीं हो पा रहे हैं। तीसरा ये कि जो अभी भी हम देख रहे हैं कि कुछ दिन पहले तक क्रिकेट मैच भी हुए, चीजें हो रही हैं, हालांकि अब पाबंदी हो गई है, नई गाइडलाइंस आई हैं, ऐसे आपको लगता है कि कोरोना को कंट्रोल किया जा सकता है वर्तमान की परिस्थिति को देखते हुए? देखिए लोकेन्द्र जी, बिल्कुल नहीं। जिस तरीके से जो आपने कहा क्रिकेट मैच हो रहे हैं और कुछ कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, इस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, बाकी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करेंगे तो कोविड को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये वायरल इन्फेक्शन है, ये फैलेगा ही बिल्कुल। और मैं आपका पहले वैक्सीनेशन पे आता हूँ। वैक्सीनेशन जो है, प्रोग्राम जो है, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में स्पीड जो है थोड़ी स्लो है, क्योंकि बीच में थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्सी भी हो गई थी कोवैक्सीन और कोविशील्ड को लेकर, तो वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है वो उसकी वैक्सीनेशन की रेट है वो बढ़ानी पड़ेगी। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ थोड़ा सा पीछे है इसमें, और कोविड से बचने का एकमात्र उपाय है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के द्वारा ही लोगों में इम्यूनिटी जो है वो डेवलप हो सकती है। और टेस्ट की बात करें, टेस्ट में छत्तीसगढ़ ठीक है, अभी जो है 35,000 के आसपास टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन एक इसमें बड़ी कंट्रोवर्सी आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीजन टेस्ट में बड़ी कंट्रोवर्सी है। लोगों ने बताना चाहूंगा आपको कि रैपिड एंटीजन टेस्ट है वो कोई कंफर्मेटिव टेस्ट नहीं है, अकॉर्डिंग टू मेडिकल फील्ड के हिसाब से जो है और गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से, तो फिर भी उसको परमिशन दी गई आप रैपिड टेस्ट करें, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी है। आरटीपीसीआर एक कंफर्मेटिव टेस्ट है, तो रैपिड टेस्ट जिसका होता है उसको अगर पॉजिटिव आता है तो आरटीपीसीआर टेस्ट तो कंफर्मेशन के लिए ही किया ही जाता है।
और अगर एंटीजन टेस्ट जो है वो नेगेटिव आता है उसके बाद भी आरटीपीसीआर टेस्ट जो है कंफर्मेशन ही किया जाता है, तो ये बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी है। ये मुझे भी समझ नहीं आया कि आप रैपिड एंटीजन टेस्ट है उसके लिए क्यों जा रहे हैं, जबकि आरटीपीसीआर जो है कंफर्मेटिव टेस्ट है। तो आरटीपीसीआर टेस्ट को जो है, नंबर ऑफ टेस्ट को जो है वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को बढ़ाना चाहिए। और तीसरा मैं बात करूं जो राजनीतिक आयोजन से लेके और जो क्रिकेट मैच से लेके ये सब चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं इन पे पाबंदियां जो है तुरंत लगनी चाहिए, क्योंकि पेशेंट्स आप देख रहे हैं कि 2000 पेशेंट जो है वो कुछ दिनों में आ रहे हैं। और गवर्नमेंट को कोविड सेंटर्स की व्यवस्था, ठीक है, रायपुर में और जो बड़ी सिटीज हैं आपने उनमें कोविड सेंटर्स की व्यवस्था जो है वो कर रखी है, परंतु पिछले साल भी जैसा हुआ था जो पेरीफेरी में जो छोटी छोटी जगह है छत्तीसगढ़ में, वहां जो है वहां कोविड सेंटर्स बनाना, क्वारंटाइन सेंटर्स बनाना और इलाज की सुविधा उपलब्ध कराना, ये बड़ा चैलेंज है और गवर्नमेंट को इमीडिएट इस चीज पे काम करना चाहिए, क्योंकि पेशेंट्स तो बढ़ेंगे। आप उनको जब तक कंप्लीट वैक्सीनेशन नहीं हो जाता, आप पेशेंट्स जो आ रहे हैं उनको आप रोक नहीं सकते। इसमें एक चीज मैं सर और आपसे जानना चाहूंगा, म्यूटेशन की बात कही जा रही है कि जो नया वायरस है ये बहुत तेजी से फैलता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है सर और कितनी सच्चाई है इस चीज में? लोकेश जी, कोई भी वायरस हो, ये कोविड वायरस नहीं, कोविड ग्रुप ऑफ वायरस तो एक बहुत पुराना वायरस है और कोविड 19 उसको नाम दिया गया जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं था। पहले भी कोविड के वायरस ग्रुप ऑफ वायरस है जिससे कि सर्दी खांसी जुकाम होता था, परंतु कोविड 19 का कोई इलाज नहीं, तो इसको और ये घातक था। और कोई भी वायरस हो वो हर 30 दिन में एवरेज एक महीने में अपना म्यूटेशन करता है, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों द्वारा, हमारे साइंटिस्टों द्वारा वैक्सीनेशन इस हिसाब से बनाया जाता है कि जो म्यूटेशन भी अगर वायरस कर रहा है, क्योंकि म्यूटेशन वायरस जो करता है वो अपने स्पाइक प्रोटीन मतलब ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है सरफेस का, जैसे कोविड वायरस एक बॉल का आकार है और ऊपर जो है वो अपनी शेप चेंज कर लेता है ऊपर की सरफेस, तो वो सरफेस को पकड़ने के लिए ही वैक्सीन इस तरीके से बनाई जाती है कि वो कितना भी सरफेस अपना चेंज करे, स्ट्रक्चर चेंज करे, वैक्सीन उसको स्पाइक प्रोटीन को पकड़ ही लेता है। तो इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, तो ये म्यूटेशन जो है वो कोई नया नहीं है, हर वायरस के साथ होता है। यानी इसका वैक्सीनेशन जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, लोग कहते हैं कि इसका रूप बदल गया इसलिए वो शायद से पुरानी वैक्सीन काम ना करे, वो भ्रामक है चीजें। बिल्कुल बिल्कुल भ्रामक है लोकेश जी, बिल्कुल ये लोगों में बिल्कुल भ्रम जो है बना हुआ है और साइड इफेक्ट्स का और वैक्सीन का, तो ये चीजें जो है ये भ्रम को दूर करना जो है ये सरकार का गवर्नमेंट का काम है, और ऐसे कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट को चलाने चाहिए कि लोग जो है प्रेरित हों अपने आप को वैक्सीन लगाने के। ठीक, अब सुरेंद्र जी मैं एक चीज जानना चाहूंगा सर आपसे कि आरोप प्रत्यारोप अलग चीज है, अब गाइडलाइंस आ गई है सर, तमाम चीजों पर पाबंदियां लगाने की बात कही गई है, लेकिन अब दिक्कत आती है इम्प्लीमेंटेशन की। हमने पहले एक सख्ती हम देख चुके हैं, लेकिन अब दिक्कत ये आ रही है कि वो सख्ती ना तो लोगों की तरफ से अब दिख रही है, ना ही प्रशासन उस तरह से सख्त हो रहा है। अब आप बेशक ठीक है लॉकडाउन मत कीजिए, आर्थिक गतिविधियों को लॉक मत कीजिए अभी से कम भीड़ ना लगे कहीं, मास्क का इस्तेमाल होता रहे, और जो सीमा से दूसरी जगह से लोग आ रहे हैं महाराष्ट्र से, वहां पर तो सख्ती बरती जा सकती है सर, ये कदम तो अब और सख्ती से उठाए जा सकते हैं। लोकेन जी, आपका कहना बिल्कुल सही है और मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और मैं ये आश्वस्त इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूँ कि देखिए सरकार जो है या जनता की नुमाइंदगी करती है, उसकी जिम्मेदारी बनती है, मगर जनता के साथ भी क्या हुआ है कि पिछले एक साल में काफ़ी हद तक लापरवाही का स्वभाव एक बन चुका है। और दूसरी बात, जिस तरह से कोरोना के आंकड़े जो घटे उसकी वजह से लोगों को लगा कि हम अब कोरोना से जीत चुके हैं, मगर ये जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया, आप भी कह रहे हैं, हम सब लोग जानते हैं इस बात को, ये संकट अभी टला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सरकार पूरी तरह सजग है, पूरी तरह सतर्क है, और कोई ऐसी कसम नहीं खाई है कि लॉकडाउन नहीं करेंगे, मगर अभी जो परिस्थितियाँ हैं उसके हिसाब से लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं है। और सरकार ने अधिकांश जिलों के कलेक्टर ने 144 धारा लगा दी है, 50 से अधिक लोगों को विवाह में इकट्ठा होने की, शमशान घाट में जाने की इसकी परमिशन नहीं है, ज़्यादा भीड़ भाड़ करने की आवश्यकता नहीं है, होली के त्यौहार के लिए गाइडलाइन तैयार किए गए हैं, जारी किए गए हैं, बाहर से आने वाले लोगों की
जांच की व्यवस्था की गई है, बाहर जाने वालों की जांच की व्यवस्था की गई है। सरकार पूरी तरह सतर्क है कि इसको जल्द से जल्द नियंत्रित किया जाए और लोगों की जान माल की रक्षा की जाए। और एक बार हम इस संकट से उभर चुके हैं, मेरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ की सरकार छत्तीसगढ़ की जनता के साथ मिलकर के इन परिस्थितियों से फिर से निपट लेंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। बस एक ही बात है कि आपको रोक रहा हूँ सर, एक दो चीजें इसमें है। अभी भी ऐसा लगता है कि कुछ चीजें एक साल बाद भी, अब ये कह रहे हैं कि अभी हमें लैब की संख्या बढ़ानी है, क्वारंटीन सेंटर में दोबारा शुरू करने हैं, तो सर ये बंद क्यों किए गए? अगर दोबारा लैब कम क्यों थी सर हमारे पास, अभी तक लैब क्यों नहीं बढ़ पाई? आरटीपीसीआर टेस्ट कराने में कितना सक्षम है छत्तीसगढ़? देखिए लैब के लिए एक स्थायी व्यवस्था का अभाव है अभी छत्तीसगढ़ में। उस समय जो क्वारंटाइन सेंटर बोल रहे हैं वो अस्थायी रूप से क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए थे, और जिन क्वारंटाइन सेंटर में मरीजों का आना बिल्कुल बंद हो गया, हमारे जो जिला अस्पताल हैं या एम्स है या डीकेएस है या जो जिला के अस्पताल हैं, वो पर्याप्त सक्षम थे कि जितने लोग मरीज आ रहे थे उनकी ट्रीटमेंट करने की व्यवस्था। अभी भी जिस तादाद में मरीजों की संख्या है उस स्थिति को हैंडल करने के लिए हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। मगर किंतु आने वाले समय, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा, आरटीपीसीआर ही एक कन्फर्म तरीका है जिसके माध्यम से कोरोना की पुष्टि की जा सकती है। इस तादाद को बढ़ाने के लिए लैब बढ़ाने की आवश्यकता है। एंटीजन टेस्ट के बहुत सारे ऐसे रिजल्ट निकले हैं। मैं रोकूंगा सर, रजनी जी बहुत देर बाद हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं एक सवाल उनसे ले लूं। रजनी जी, जिस तरीके से रमन सिंह ने सवाल उठाए हैं, सुरेंद्र जी का ये कहना है और हमने कृषि मंत्री की बाइट भी चलाई, उन्होंने कहा कि बीजेपी अभी भी राजनीति कर रही है इस मसले पर, क्या है लोकेन जी? जब कांग्रेस इसी बात को लेकर के राजनीति करे तो उनका राजनीति नहीं रहे, और हम जब प्रश्न उठाएं, कुछ सुझाव दें तो इनको राजनीति लगती है, तो कांग्रेस को अभी राजनीति ही समझाने की जरूरत है। वो जिन बड़ी बड़ी बातों के आधार पर यहाँ सरकार में आए हैं, आज 25 मार्च है, ठीक एक साल पहले देश में लॉकडाउन हुआ और हम मार्च अप्रैल लगभग मई तक कोरोना फ्री स्टेट में थे, और मई के बाद अगस्त सितंबर के आते आते छत्तीसगढ़ पूरे देश में 7वें-8वें स्थान पे आ गए, और आज भी छत्तीसगढ़ फिर दूसरे तीसरे स्थान पर आ गई, और ये बोल रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं। अरे आपने किया क्या? बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने इतने लैब्स बनाए, इतने क्वारंटीन सेंटर बनाए, इतने हमने हॉस्पिटल में सुविधा दी, इतने वेंटिलेटर लिए, आज फिर क्यों स्थिति आई? ये बोलते हैं कि बंगाल में नहीं हो रहा है, आसाम में नहीं हो रहा है, यहाँ क्यों हो रहा है, क्या कारण है? क्रिकेट के लिए जब बोला गया कि अहमदाबाद जैसे शहर में इंटरनेशनल मैच को दर्शकों के बिना कराया गया, तो यहाँ क्या दिक्कत थी? क्यों जीत था? क्या ऐसी जीत थी जिसके कारण सरकार क्या दिखाना चाह रही है छत्तीसगढ़ में? इसलिए लोकेन जी, ये सरकार कोरोना को जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तभी मैं इस पर जवाब ले लेता हूं जल्दी से। सुरेंद्र जी जवाब दीजिए, उसके बाद मुझे विवेक जी के पास जाना, जल्दी से सर। इन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। देखिए, इसके जवाब मैं राजनीति की बात करना नहीं। हमारे छत्तीसगढ़ में तो क्रिकेट की वजह से कोरोना फैल रहा है, आपका आरोप है, तो भाई बंगाल में बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है, असम में बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है, उसमें क्यों नहीं हो रहा है ये, और वहां पर क्या हो गया है? और आप जब करें तो वाजिब है, आप नमस्ते ट्रंप करें तो हिंदुस्तान में तो पहले कोरोना आया नहीं था, तब नमस्ते ट्रंप हो रहा था अहमदाबाद में, और पूरे देश में कोरोना फैल गया, वो उस बात को आप नहीं कहेंगे। बात दरअसल ये है कि आज समस्या नहीं, आप कह सकते हैं नमस्ते ट्रंप के कारण कोरोना है, और यहाँ छत्तीसगढ़ में यदि क्रिकेट के कारण आया तो राजनीति है, आप ही नहीं, आप कह रहे शर्मा जी की मैं क्यों नहीं कह रहा हूँ, क्यों हम आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, नहीं तो मैं ये सब बात कहना नहीं चाहता, मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। मेरे पास आखिरी दो मिनट बचे हैं सर, और मैं थोड़ा सा आपने तो ज्ञान भी इसमें बढ़ाना चाहता हूँ राजनीति से इतर। सर आरोप प्रत्यारोप, और राजनीति तो एक ऐसी चीज है जो कोरोना के दौर में भी नहीं रुकी, और चुनाव भी हुए, रैलियां भी हुई, अभी भी हो रहे हैं, लेकिन विवेक परिहार जी, एक डर और लोगों के अंदर ये आया है कि अब कोरोना के सिम्टम्स बदल गए हैं सर, पेट में दर्द कुछ लोगों को हुआ है, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं सर,
ये कुछ नए सिम्टम्स आ रहे हैं क्या आप कोरोना के? विवेक जी आवाज पहुंच पा रही है सर आप तक? चलिए दोबारा से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे हम, और हमारे साथ सुरेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी मैं क्योंकि ये राजनीतिक सवाल तो नहीं है लेकिन फिर भी नए सिम्टम्स जिस तरीके से पता चल रहे हैं, सरकार की जिम्मेदारी तो बनती है कि इन्हें अब लोगों को थोड़ा इनके बारे में भी जागरूक करे और इसको लेकर भी चर्चा हो कि कौन कौन से अब नए सिम्टम्स हैं जिनको लेकर लोग अपना टेस्ट करा सकते हैं। डॉक्टरों की, चिकित्सकों की, WHO की जो भी गाइडलाइंस होंगे, जो भी सरकार की गाइडलाइंस होगी, उन सारी चीजों का पालन किया जाएगा, सबको अवगत कराया जाएगा, सबको सचेत किया जाएगा और कोरोना से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ में जो जो व्यवस्था की आवश्यकता होगी छत्तीसगढ़ की सरकार पूरी तरह करेगी। और मेरा निवेदन ये है कि कोरोना के लिए राजनीतिक बातें नहीं होनी चाहिए। कोरोना एक वैश्विक संकट है और जिससे पूरा देश जूझ रहा है, पूरा विश्व जूझ रहा है। कई संपन्न देशों में, सक्षम देशों में जो बहुत हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, वो भी इससे पीड़ित है। वहां भी बार बार कोरोना लौट रहा है, नए नए रूपों में लौट रहा है और ये एक तरह से प्रकृति और वो दिक्कत नहीं है सर। अगर हमें एक फॉर्मूला मिल गया था कि ऐसे कोरोना को हराया जा सकता है तो हमने ढील दी, दिक्कत ये है। विवेक जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए। विवेक जी समय थोड़ा सा कम है लेकिन कुछ नए सिम्टम्स के बारे में जानकारी मिली है, कुछ लोगों के बदन में दर्द, पेट में दर्द है, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। सर क्या कुछ नए सिम्टम्स भी आपने देखे हैं या आपकी नजर में आए हूं? बिल्कुल लोकेन जी, अभी मैंने कहा ना जो वायरस है वो म्यूटेशन अपना कर लेता है तो सिम्टम्स ही उस हिसाब से चेंज हो जाते हैं। तो जैसे हेडेक, मतलब सर दर्द होना, पेट में दर्द होना, जी मिचलाना, तो ये कुछ नए सिम्टम्स हैं। बीच में सिम्टम्स आपने देखे हों कि लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, मतलब आदमी को सुगंध नहीं आती थी, कुछ भी वगैरह, और टेस्ट नहीं आता था किसी चीज का, तो ये सब सिम्टम्स थे ये। अब लेकिन अब नए सिम्टम्स हैं वो सर दर्द, पेट दर्द, उल्टी, जी मिचलाना, ये सब हो गए। तो अगर ऐसे सिम्टम्स आपको दिखाई दें किसी भी व्यक्ति को तो तत्काल प्रभाव से जो है अपनी, बिल्कुल इनको लेकर भी लोगों को टेस्ट कराना चाहिए। हमारी कोशिश ये रहती है कि जब हम हेल्थ एक्सपर्ट को बिठाएं अपनी डिबेट में तो उनसे आपसे जुड़े जो मसले हैं उनको जरूर पूछें। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तीनों मेहमानों का, और बातचीत करने के लिए। राजनीति होती रहेगी लेकिन लोग जानकारी अपनी बढ़ाते रहें कोरोना को लेकर, नए म्यूटेशन को लेकर, और थोड़े से सावधान जरूर रहें।